तो फ्रेंड्स, आज हमारी मोरनी ने एक और अंडा दे दिया। टोटली ने इसके 3 अंडे हो चुके हैं, ये अंडा मोर का। तो अभी 28 दिन बाद में जाके बच्चे निकलेंगे, 28 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब? तो अभी मोर का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हमारी मोरनी के अंडे भी आए हैं, तो वो भी दिखाते हैं और आपको। और जो एक मुर्गी ले के आए थे 2 दिन पहले, उसके नीचे ने अंडे रखते हैं मोरनी के और टर्की के, वो भी दिखाते हैं आपको। ये अंडा शाम टाइम देती है, तो फिर मुर्गी के नीचे रखेंगे। और टर्की के भी अंडे पड़े हुए हैं मेरे पास ना काफ़ी, तो वो भी मुर्गी के नीचे रखते हैं सारे। ना आज जो तितर पकड़ के लाए हुए हैं आज, मैं वो भी दिखाता हूँ। तितर ने इधर मैंने घर ही रखे हुए हैं केज में, अभी सेटअप पे नहीं लेके गए ये ना। इधर छलांग, जब कोई बंदा नज़दीक है ना फिर छलांगे बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ये हैं 2 तितर और 1 तितरी है, और एक वो येलो गोल्डन पेजेंट की फीमेल है। इनको ना सुबह लेके जाएंगे उधर सेटअप पे ना। कैसे छलांगे लगा रहे हैं, जब कोई पास आए फिर ही लगाते हैं ऐसे, बड़े आराम से दाना खाते हैं। तो अभी चल दिया अपने सेटअप की जाना, उधर जाके तो साया आ चुका होगा छत पे, परिंदों को दाने डालते हैं। छत पे ले गए हुए हैं ना, तो ये इधर या 2-3 ये बड़े उदास फिर रहे हैं कल से। ये अंडा दिया इसने ना मुर्गी ने, ये मुर्गी 2 साल से मेरे पास है। पिजन आज मैंने सारे तकरीबन बंद किए थे, क्योंकि इनको ईगल ना बड़ा तंग, तो वो 2 ही आज बाहर थे, तो बाकी तो मैंने सारे बंद कर दिए थे। अभी इनको निकालते हैं सबको बाहर, ये ना भी तंग पड़ चुके हैं। लेकिन सुबह का मैंने काफ़ी दफ़ा इनको आके ना मतलब खोला, पक्के बंद नहीं किए हुए। इनके लिए घास भी लाना है, अभी उसको भी लेके आता हूँ। ओ वाह, सील मुर्गी ने ऊपर आती हुई अंडा दे दिया हुआ है। इधर अंडा, उश वो अंडा रहा। ये अंडा ना हमारे पास मुर्गा तो नहीं है सील, वो मुर्गे का क्रॉस है। ये सील मुर्गी और वो जपनी का क्रॉस है ये अंडा ना। ये देखे मिनी फौज कैसे बैठी हुई है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनके लिए मटकियाँ अभी मैं लेके आता हूँ, अभी दाना भी ख़त्म हो चुका है, थोड़े से रह गए हैं, तो वो भी लेके आता हूँ और मटकियाँ भी इनके लिए ना। ये भी उम्मीद है अभी जल्दी अंडे स्टार्ट करेंगे, 2 इनके पड़े हैं, तो अभी लगता है मुझे कि ये 2-4 दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। तो टर्की ने अंडे बंद कर दिए, लेकिन कुड़क नहीं हो रही अभी तक। अभी तो तकरीबन इसे 4-5 दिन हो चुके हैं, इसने अंडा नहीं दिया। ये मेरा दिल है इधर एक डिब्बा रख के ना, तो मुर्गी के अंडे उसमें रखते हैं ताकि ये कुड़क हो जल्दी से ना। ये देखें कैसे अभी आते हैं, आओ 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 आओ, ये देखें कैसे आ रहे हैं। पानी भी ख़त्म हो गया, पानी भी लेके आता हूँ। ये 2 मैंने इधर बंद किए हैं ताकि ये जल्दी से पेयर बन सके, लेकिन इनको भी अभी इधर से निकाल ही देते हैं। चलो भाई आ जाओ बाहर, हो गया। इसे रास्ता नहीं पता शायद, वो आ गया, आ जाओ। इन्होंने अंडे दिए हुए हैं इसलिए करते हैं लड़ाई, या कोई क्या सिस्टम है इनका। ये देखें एक दूसरे के पीछे ना, तो वो देखा है एक ऊपर जाके अंडों पे बैठ गया, और एक के अंडे वो सामने पड़े हुए हैं, और इसके साथ ही बॉक्स में एक दूसरे के भी अंडे पड़े हुए हैं। तो एक ने ये घोंसला बना लिया, ये भी अंडे देगा जल्दी। वो यार तुम्हारे लिए भी ले आते हैं घास, ये देखें कैसे कर रहे हैं। इनको मैं 2-3 दफ़ा डाल के गया हूँ वैसे घास, चलो लेके आता हूँ अभी। घास आ चुका है इनके लिए भी, तो अंदर ही डालते हैं इनको घास में। चलो भाई चलो खाओ जितना मर्जी, वो पानी भी, चलो मज़े करो अब। इनके ना बर्तन मैंने नीचे लगा दिए ताकि ये लाइन करें और नीचे आके खाना खाएं, पहले ऊपर ही मतलब बैठते थे ना, तो मैंने नीचे लगा दिया। वो देखें ये मेल है, ये ना ये कुछ ही दिनों में इसका सर जो है ना वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इसमें भी एक ऊपर भी मेल है और एक फीमेल है, ये तो चंद दिन लेगा भी ना रेड होने में।
तो फ्रेंड्स आज हमारी मोरनी ने एक और अंडा दे दिया। टोटली इसके 3 अंडे हो चुके हैं, ये अंडा मोर का। तो मुर्गी ले आए मार्केट से, तो अभी मुर्गी को बिठाते हैं अंडों पे। 3 अंडे इसके हैं और कोई 10-12 अंडे हैं टर्की के। तो देखते हैं मुर्गी कितने कवर कर सकती है सही तरह। तो एक तो ये अभी सुबह भी अंडा देगी, 4 इसके हो जाएंगे, तो बाकी उसके तो रखते हैं मुर्गी के नीचे ना। तो ये अंडे हैं हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे अंडे हैं, 15-16। ये जो छोटे हैं ना ये वाले, ये टर्की के हैं, और ये जो है ये 3 मोर के हैं, और ये जो छोटे अंडे हैं ये वो जापनी के हैं, छोटे मुर्गों के ये भी हैं अंडे। तो देखते हैं मुर्गी के नीचे कितने अंडे सही तरह कवर होते हैं, तो उतने रख लेते हैं उसके नीचे। ये मुर्गी इधर रखी हुई है डब्बे में, तो इसके नीचे अभी अंडे रखेंगे। वो देखा माशाल्लाह, ये फ्रेंड्स मैंने अंडे 3 मोर के और 9 जो है वो टर्की के इसके नीचे रख दिए हैं। एक अंडा सुबह भी मोर के इसके नीचे रखेंगे। तो अभी ऊपर मुर्गी बिठा के देखते हैं कि वो सही तरह इनको कवर कर सकती है कि ये अंडे मतलब बाहर निकलते हैं। ये बिठा दिया मुर्गी अंडों पे। तो अभी 28 दिन बाद ना जाके बच्चे निकलेंगे, 28 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। तो सारे अंडे इसने अच्छी तरह कवर कर लिए हैं, मोर के भी और टर्की के भी। तो दोनों अंडे सेम टाइम में ही निकलेंगे। तो इसके साथ साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।